सीधे मौलाना साजिद रशीदी के पास चलता हूँ। मौलाना जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, यहाँ पर तो कोई डिस्प्यूट इसलिए नहीं है कि मंदिरों को तोड़ा गया, क्योंकि एएसआई का जो शिलालेख लिखा था वहाँ पे रखा हुआ था, उसमें साफ साफ लिखा था कि मंदिरों को तोड़कर ये बनाया गया है। और क्या आप ये प्रमाणित करेंगे कि वहाँ पर कभी अजान हुई कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में? देखिए दीपक, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो विष्णु शंकर जैन जी ने, वकील साहब ने जज्बात में आकर गलत कोड की है। ये मस्जिद 1190 में स्टार्ट हुई, कुतुब मीनार 1199 में स्टार्ट हुआ और 1338 में जाकर मुकम्मल हुआ, ये अच्छी तरह समझ लीजिए। और कुतुब मीनार सिर्फ एक बादशाह ने नहीं बनाया, कुतुब मीनार के बनाने में कई बादशाहों का योगदान है। बादशाह आते रहे और उसको अपने हिसाब से ऊंचा करते रहे और आज उसकी ऊंचाई जो है 238 फीट है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यूनेस्को जो अक्वामे मुत्तहिदा की धरोहर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस्लामी तामीर के लिए मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम को हिंदुस्तान की धरोहर माना है, मुसलमानी तर्ज तामीर के लिए आप जाइए। दूसरी तीसरी बात, 1991 का जो पूजा स्थलों का विशेष अधिनियम है उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि जो 1947 में जो भी पूजा स्थल थे आज उनको छेड़ा नहीं जाएगा। ये तो वकील साहब हैं, इनको इतना ज्ञान नहीं कि पहले उस कानून को बदलवाइए। अरे मेरे भाई, पहले उस कानून को बदलवाइए, एक ऐसा पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा विशेष को कंप्लीट करने दीजिए, कानून बदलवा दीजिए और मुझे मुझे पूरा कर लेने दीजिए। जैन साहब, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, जज्बात में आते हैं, मुझे पता है आपका नौजवान खून है आपका, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम जब हिंदुस्तान को फतह किया गया तो दिल्ली की सबसे पहली मस्जिद जो बनी दिल्ली में वो मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम है। और उसका कुव्वतुल इस्लाम नाम इसलिए नहीं रखा गया कि हिंदुओं पर फतह पाई है, और ना इसलिए रखा गया कि उसको हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए रखा गया, बल्कि कुव्वतुल इस्लाम का मतलब यह है कि इंसान, ये बादशाह जो थे वो चूंकि मुसलमान थे, उन्होंने कुव्वतुल इस्लाम नाम उसका रख दिया। तो इसमें अच्छा, मौलाना जी, मौलाना जी, एएसआई ने भी तो खुद लिखा है कि 27 मंदिरों को तोड़ के बनाया गया। मौलाना जी, एक मिनट सुनिए, मेरा तर्क सुनिए। आपने आज बड़ी अच्छी बातें कही, पॉइंटेड बातें कही, मुझे ये बताइए फिर एएसआई ने वहां पे शिलापट्ट पर क्यों लिखा कि 27 मंदिरों को तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, बताइए। यूनेस्को ने लिखवाया होगा तभी लिखा ना उन्होंने। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। आपको याद होगा बाबरी मस्जिद केस में एएसआई के एक बहुत बड़े अफसर ने यह कहा था कि मंदिर के विशेष मिले हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि ऐसे कोई विशेष मिले ही नहीं। अरे सर, मेरे सवाल का बाबरी मस्जिद केस से क्या लेना देना? मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर यूनेस्को और एएसआई के शिलालेख में लिखा गया है कि 27 मंदिरों को तोड़ा गया, इसका क्या जवाब है आपके पास? बाबरी मस्जिद केस में क्या हुआ ये मत बताइए मुझे, मुझे ये बताइए क्यों लिखा गया यूनेस्को और एएसआई की तरफ से? दीपक चौरसिया, अरे सुन तो लीजिए, सारे सबूतों को स्वीकार, भाई साहब सुन तो लीजिए, एएसआई हमारे लिए फुल स्टॉप नहीं है। जन्मभूमि एएसआई जो कह देगा वो आसमानी किताब हो जाएगी, धर्म ग्रंथ हो जाएगी, और उसको आंख बंद करके मान लेना पड़ेगा, वही धर्म ग्रंथ। सवाल आपसे मौलाना साजिद रशीदी को जवाब दे दीजिए। विष्णु शंकर जैन की तरह लड़ाई लड़ाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। देखिए मैं चाहूंगा कि आपके, इनकी वकालत नहीं चलती तो इन्होंने ये धंधा टो लिया, अब इनकी वकालत अच्छी चल रही है। व्यक्तिगत मत होइए मौलाना जी, व्यक्तिगत मत होइए, विष्णु जी को जवाब दीजिए। ये इनका धंधा अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा चलाइए, हमें कोई एतराज नहीं, चलाइए अच्छा, लेकिन 1991 के अधिनियम को चेंज करा दीजिए। मैं चाहूंगा कि आपके कैमरामैन जरा मेरे मोबाइल, हाँ, इसीलिए आप ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा वाली मस्जिद में आपकी पिटीशन ओंधे मुंह गिर गई।
अरे सर, और यहाँ अभी कोर्ट में एडमिट है, क्यों झूठ बोल रहे मौलाना साहब? अभी कोर्ट में केस चल रहा है, क्यों झूठ बोल रहे मौलाना साहब? अच्छी बातें करते करते आप कुछ पलट जाते हैं। आपके आपका टर्न है, महाराज जी मैं आ रहा हूँ आपके पास एक मिनट में। कम से कम ऑनलाइन तो झूठ मत बोलो, कुछ नहीं होगा उसका। दीपक जी मौलाना, अरे ना हो पर केस तो चल रहा है ना, ये झूठ तो मत बोलो। केस होते मुंह गिर गया। विष्णु शंकर जैन जी, धर्म गुरु हूँ महाराज, मैं मुस्लिम धर्म गुरु हूँ, आपकी तरह झूठ नहीं बोलता सर। एक माफ बोलता है विष्णु जी, सब दर्शक सब जानते हैं, छोड़ दीजिए मौलाना साहब। विष्णु जी बोलिए आप। रसीदी, मैं धर्मगुरु होकर सच बोलता हूँ, आपकी तरह धर्मगुरु होकर झूठ नहीं बोलता। कि ये जो सूट है कहूंगा मौलाना, आप बोल रहे हैं और कौन बोल रहा है? अपनी औकात में रहना सीखिए। और धर्म गुरु को कभी भी लड़ाई की बात नहीं करनी चाहिए, परिभाषा कर धर्म गुरु को प्यार बांटना चाहिए। आप बैठकर आग उगल रहे हैं, बात करने वाले लोग आप बैठकर जहर उगल रहे हैं। आपने क्या बात की थी मौलाना साजिद रशीद जी? जितेंद्र जी बता रहे हैं, महाराज जी बता रहे हैं, आपने कहा था एक दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ के अयोध्या के मंदिर को तोड़कर फिर मस्जिद बनाई जाएगी। ये आप मौलाना होके क्या भड़काने वाली बात नहीं कर रहे थे? महाराज जी बोलिए आप। गैरवे कपड़े पहनकर, आपको पता गैरवे कपड़े का मतलब क्या है? अमन का प्रतीक होता है और आप बैठकर नफरत फैला रहे हैं, आग फैला रहे हैं, बैठकर माला डाल रखी है आपने। शर्म आनी चाहिए आपको। बलात्कार, कहां से धर्मगुरु बन गए आप? किसने आपको धर्मगुरु बना दिया? शर्म नहीं आती आप लोगों को? मौलाना जी, महाराज जी बहुत बड़े धर्म गुरु है, इन शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए मत करिए। उन्होंने आपके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, व्यक्तिगत मत होइए प्लीज। माला का सम्मान रखिए, इस गेरवे कपड़े का सम्मान रखिए। मौलाना जी कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, सम्मान का प्रतीक है सावधानी। ये माला सम्मान का प्रतीक है, सम्मान रखने वाला कर रहे हैं।